टॉपिक था आज आर्टिस्टिक मीडिया टूल। तो लास्ट टाइम नहीं कवर कर सके, अभी हम इसको देखते हैं। आर्टिस्टिक मीडिया टूल है वो, इंट्रोड्यूस करने पहले भी किया हुआ है। अगर इसके ऊपर आप एक बार माउस लेते हैं तो इसकी डिफरेंट हमारे पास यूजेज है, जिस तरह एड आर्टिस्टिक ब्रश, स्प्रेयर, कैलीग्राफी के साथ फ्री हैंड स्ट्रोक वगैरह। ठीक है, इसमें ये इसकी मेजर टाइप्स हैं, चार ब्रश, स्प्रे, कैलीग्राफी के साथ, आगे इनकी भी कैटेगरीज हैं। ठीक है, अगर वन बाई वन सबको देखते हैं। ठीक है, ये ब्रश टूल लिखा हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें इसकी आगे डिफरेंट टाइप लिखी हुई हैं, आर्टिस्ट्री, कैलीग्राफी, ऑब्जेक्ट, सप्लेटर, टेक्सचर, सेंसर। ठीक है, कैलीग्राफी। इसी तरह हम अगर नेक्स्ट पे जाएँ स्प्रेयर के ऊपर, ब्रश स्ट्रोक के ऊपर, तो ये ब्रश स्ट्रोक की सारी प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास ऊपर आ गई। जिस तरह हम क्लिक करें ब्रश के ऊपर तो ये ब्रश बने पड़े हैं हमारे पास काफ़ी सारे, ये हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर कैलीग्राफिक कट के ऊपर जाएँ तो कैलीग्राफिक कट में भी इसी तरह हम इधर को यूज़ करके देखते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज शो होंगी इधर। तो उसके बाद एक्सप्रेशन वगैरह का किस तरह यूज़ है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर है सबके साथ? ठीक है, तो ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल के ऊपर जाएं आप, इधर से आप किसी भी शेप ड्रा करें। ज़रा हम अभी करके देखते हैं। सपोज करें कि ये हमने शेप ड्रा की है, ये ब्रश टूल सेलेक्ट था पहले इसलिए इस तरह से हो गया, तो इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, इधर ही आते हैं सिंपल के ऊपर ही, तो ये कोई सी भी शेप आप ड्रा कर लें। ठीक है, इस तरह से कर लें, जैसे आपको कोई सर्कल ड्रा करना है सर्कल कर लें। तो ये एक सिंपल सी ली है ताकि दोबारा हैंग ना हो जाए। ये इधर आप क्लिक करें, इसकी जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, इसकी डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, उनको कैसे यूज़ करना। ठीक है, तो इधर आपके पास शो हो रही हैं बहुत सारी। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसने हमें दी हुई हैं, इसमें से कोई सी भी सिलेक्ट करें ये वही शेप बन जाएगी। ठीक है, इसके इसी तरह इसके ऊपर क्लिक करें, दोबारा कोई चेंज करें। ठीक है, ये इसने नहीं की और हमारा सिस्टम फिर से हैंग हो गया। लेज को आपने लॉक कैसे करना है जब आप यूज कर रहे हो? ठीक है, लेयर नहीं कैसे बनानी है, उसको कैसे लॉक करना है, तो स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर, हो गई है। यस सर। ठीक है, तो ये क्विकली देख लीजिए, इनका भी यूज आपको आना चाहिए। लेयर्स को लॉक कैसे करते हैं, लेयर्स को लॉक कैसे करना है या नई लेयर्स वो कैसे क्रिएट करना है, तो इसके लिए आपको जाना, ये मेरे पास पहले ही ओपन है लेकिन आपको बता देता हूँ कि आप जाए विंडो में, उसके बाद डॉकर में, विंडो, डॉकर और ऑब्जेक्ट मैनेजर में। ठीक है, ये मेरे पास पहले ही चेक है, मैं इसको ख़त्म करके दोबारा कर रहा हूँ, डॉकर और ऑब्जेक्ट मैनेजर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है।
इसकी काफी सारी लेयर। ठीक है, ये सारे पेजेस भी हैं, पहले हम डिलीट कर लेते हैं। लास्ट वाली भी स्टोर कर लेता है जो हमने लास्ट की है। अच्छा ये देखिए, इधर अभी आप कोई भी ड्राइंग करें तो कलर करें, ये पिछली भी स्टोर की हुई है इसलिए इधर सारी स्टोर हो रही है। इनको पहले डिलीट कर लेते हैं। अच्छा चलो जाने में, तो ये देखें, ये सबसे पहले जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ये लेयर वन लिखा हुआ है, साथ में इसका कलर भी आ रहा है आपके पास। इसको अगर क्लोज कर दें, ये प्लस का निशान है इधर, हमने लेयर को लॉक करना है। सपोज आप इस पर काम कर रहे हैं और इसके ऊपर एक और नहीं ले लेते हैं, इसका नीचे वाली आपको डिस्टर्ब कर रही है या आप लॉक करना चाह रहे हैं उसका कोई यूज नहीं कर रहे अभी, तो उसको टच करना। ये देखिए अभी आप ऊपर, अगर ये आपके पास लेयर वन, ठीक है, इसको क्लिक करें तो ये दोनों इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है, एलिप्स भी और ये रेक्टेंगल भी, सही है। तो अभी आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये है हाइट का, आई जो है बिल्कुल इस तरह आपको नज़र आ रही है, सही है। इसको अगर हाइट करें तो दोनों हाइट हो जाएंगी, क्योंकि दोनों अभी एक लेयर के ऊपर ही पड़ेंगे। उसके बाद आपको बताता हूँ कि इनको अलग अलग हमने कैसे करना। ये अभी फिलहाल इसको दोनों एक एक लेयर के अंदर पड़े हुए हैं दोनों ऑब्जेक्ट, इसलिए इनका यूज़। ठीक, क्लिक करें, ये आपके पास लॉक बना हुआ है, लॉक और अनलॉक। ठीक है, अभी हमने लॉक की है तो आप देख सकते हैं कि ये हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये लॉक हो गई है आपकी लेयर। इसको अनलॉक कैसे करना है, दोबारा उधर आए तो ये अनलॉक हो गई है। ठीक है, तो इसी के नीचे हमारा जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो भी इधर ही पड़ा हुआ है, तीनों चीज़ें, ये टेक्स्ट और ये दोनों शेप्स, ठीक है, एक ही लेयर के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, इसको हमने नई लेयर के अंदर अभी लेके जाना है, वो कैसे है, इधर आप अगर नीचे देखें ऑप्शंस, इस पर माउस लेके आए अपना, तो ये है न्यू लेयर, उसके बाद न्यू मास्टर लेयर, उसके बाद न्यू मास्टर लेयर और आउट पेजेस। ठीक है, हम अभी फ़िलहाल न्यू लेयर कर रहे हैं तो ये एक नई लेयर बन गई है ऊपर। ठीक है, तो हमारे तीन ऑब्जेक्ट एक ही लेयर के अंदर थे, तो अभी आप ऊपर वाले को उठाएं और इधर ड्रैग कर दें सेकंड लेयर में। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड ऑब्जेक्ट है आपका, ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है हाउ टू लॉक लेयर, वो भी इसी के अंदर पड़ा हुआ है। इस तरह एक और लेयर ले लें नहीं, और ये टेक्स्ट जो है इसके अंदर ड्रैग कर दें, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो मैं अभी मैंने ड्रैग किया, तो अभी ये तीनों की अलग अलग लेयर्स बन गई हैं। ठीक है, वन टू और ये अभी जो टेक्स वाली ली है थ्री, इनको आप ओपन करके देख ले वन बाई वन। फर्स्ट में टेक्स आ गया, सेकंड में आपका एलिप्स आ गया ये वाला, ठीक है, और थर्ड के अंदर आपकी, थर्ड मीन्स फर्स्ट वाली के अंदर आपकी रिक्टेंगल आ गई। तो अभी सबको अलग अलग से आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, ये मैंने लॉक किया तो ये इधर ही रहेगी, अब सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह ये ऊपर वाली एलिप्स, ये हाईलाइट भी हो गया, इसको करना है आपने लॉक, लॉक कर दें इधर से, या आपने हाइड करना चाह रहे हैं, शो और हाइड का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप ये जो आई आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हाइड भी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ ड्रा कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है या आप उसका यूज़ नहीं करना चाह रहे, वो आप लॉक कर सकते हैं, हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह शो करने के लिए दोबारा क्लिक करें तो ये शो हो जाएगा। इस तरह ये टेक्स्ट का, टेक्स्ट के ऊपर जाएं, ये आई का निशान, इसको क्लिक कर दें आई के ऊपर तो ये हाइड हो जाएगा। इसके बाद लॉक करें तो
तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे एक और ऑप्शन है, इनेबल और डिसेबल प्रिंटिंग एंड एक्सपोर्टिंग, ठीक है। अगर इसको हम करते हैं तो अभी ये जब हम अपने आर्टबोर्ड को एक्सपोर्ट करेंगे, सपोज ये मैंने जो नीचे वाली लेयर्स हैं अभी उनका लॉक ओपन कर रहा हूँ, जो अलिप्स है, अलिप्स टूल के ऊपर क्लिक किया तो ये जो थर्ड ऑप्शन हमें नज़र आ रही है, ना ये सेकंड में है, जो ये तो लिखा भी हुआ है इनेबल और डिसेबल प्रिंटिंग एंड एक्सपोर्टिंग। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो ये हमारी लेयर प्रिंटिंग होगी, ये एक्सपोर्ट नहीं होगी, मीन्स ये इसको लॉक कर दें और इसको एक्सपोर्ट नहीं करना, हमने एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहे तो ये डिसेबल कर देंगे इसका पॉइंट, अभी ये एक्सपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये था लेयर का। इसके बाद ये नीचे का न्यू लेयर कैसे क्रिएट करनी है, वो बाकी मास्टर लेयर्स हैं उनको अभी हम नहीं छेड़े, मास्टर लेयर्स हैं वो सारी उसमें आ रही होती है आपकी डॉक्यूमेंट सारे, तो उनका अभी इधर कोई यूज़ नहीं है। अभी फिलहाल लेयर को क्रिएट कैसे करना है, उसको हाइड कैसे करना है, ठीक है, और अगर हमारा एक ही लेयर के अंदर डाटा आ रहा है तो उनको सेपरेट कैसे करना है, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं या किसी को काम डिलीवर करना होता है तो उसमें आपकी ड्राइंग के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं तो वो सारे अलग अलग लेयर में पड़े होते हैं, ठीक है। एक तरह की जो चीज़ है वो एक लेयर में पड़ी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल जो आपको नज़र आ रहा है ये भी लॉक है, ठीक है। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है इसको अलग लेयर में रखेंगे, इस तरह जो नीचे रेक्टेंगल नज़र आ रही है उसको अलग में रखेंगे, अपनी कोई ड्राइंग कर रहे हैं उसको अलग में रखेंगे, जो भी आपने काम किया हो अलग अलग लेयर में रखेंगे। वो किस लिए रखते हैं हम, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, जब हम उसको लेके जाते हैं वीडियो एनिमेशन में या वीडियो एडिटिंग में अपने ऑब्जेक्ट्स को या टेक्स्ट को किसी भी चीज़ को, तो जब एनिमेशन करते हैं तो हर चीज़ अलग अलग से एनिमेट हो रही होती है, आपका टेक्स्ट अलग आ रहा होता है, आपकी शेप्स, आपके सर्कल जो हैं वो अलग आ रहे होते हैं, हर चीज़ अलग उधर हमें दिखाई दे रही होती है, ठीक है। तो वो लेयर बाय लेयर जो है काम हो रहा होता है, कोई वीडियो एनिमेशन हो रही है तो उधर आप लेयर बाय लेयर चल रहे हैं, एक बार पूरा फोल्डर उठा के उधर रख लेते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, कि जिस लेयर की आपने एनिमेशन करवानी है, सपोज आपने ये टेक्स्ट जो है वो इस तरह मूव हो रहा था उधर, या आपका टेक्स्ट जो है ऐसे आप मूव करवा रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट इस तरह, या ऊपर से नीचे, तो ये पूरी लेयर पकड़ेंगे टेक्स्ट वाली और इसको उधर एनिमेशन जो प्रीसेट्स हैं वो डिफाइन करेंगे और इसको एनिमेट करवा देंगे। इसी तरह इसको अगर कुछ करवाना है आपने, रोटेट करवाना है उधर, ये इस तरह की एनिमेशन करनी है, तो जूम इन जूम आउट हो रहा था ऑब्जेक्ट उधर, ठीक है, उसको कुछ करवाना है तो इधर लेयर सेलेक्ट करेंगे, उसको एनिमेट जो विंडो है एनिमेशन विंडोज में लेके आएंगे और वन बाय वन करते जाएंगे। तो इस तरह हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो एक लेयर के अंदर सेपरेटली कर रहे होते हैं, जो एक तरह की चीज़ें हैं उसको एक लेयर में रख देते हैं हम, ठीक है। यस सर, इसको रिगिंग कहते हैं आई थिंक, जी इसको आई थिंक ये एनिमेशन में रिगिंग कहते हैं। एनिमेशन में रिगिंग तो नहीं कहते, यही कहते हैं कि लेयर बाय लेयर इधर जो भी आपने फाइल देनी है पूरी फाइल रख के उसको ओपन करें, वो सारी लेयर्स आपके पास शो हो जैसे जाती है। अगर आप अडोब एनिमेटर की बात करें तो वहां पर इस प्रोसेस का नाम रिगिंग है। चलो रिगिंग ही कहते हैं। तो इस तरह से ये लेयर्स क्रिएट करना, उसको लॉक अनलॉक करना, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के लिए जो भी हम काम करते हैं वो लेयर्स के अंदर अलग अलग करते रहते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट तो वो एक ही लेयर के अंदर पड़ा होता है, जिस तरह ये लेयर वन में पड़ा था, इसी तरह इलस्ट्रेटर के अंदर भी ऐसे ही है, ठीक है, फोटोशॉप में भी ऐसे ही है, वो एक लेयर के अंदर ही सब कुछ पड़ा होता है, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर ऐसा नहीं है, उधर अलग अलग ही पड़ा होता है लेयर्स जो भी आप बनाते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेटर में भी ऐसे है और इधर कोरल ड्रा में भी ऐसे ही है, सारी लेयर्स पड़ी हैं, तो आप उनको जैसे भी है यूज़ करें, लॉक करें, अनलॉक करें, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं।
इसी तरह इसको सर इसमें अच्छा जो एक आपका इनकी इनकी नंबरिंग जो है वो भी आप जो है चेंज करवा सकते हैं। जैसे ये लेयर इसको ऊपर लेके जाना, नीचे लेके जाना, लेयर वन को सबसे ऊपर रखना है। तो लेयर वन अगर आप देखें जिस तरह हम करते थे कि पेज अप है पेज डाउन है उसको यूज कर रहे थे, मींस के ऑर्डर अपना देख रहे थे इधर आके ऑब्जेक्ट में ऑर्डर के उसको फ्रंट पे लेके आना, ऑब्जेक्ट को बैक पे लेके आना है। ठीक है, ये मैं आपको बताया था कि कंट्रोल से और पेज अप डाउन के ऑप्शन से इसका इस तरह जो हम कर रहे थे वो कैसे करना। अभी तो ये लेयर हो गई, ठीक है, तो वो आप इधर से भी काम कर सकते हैं। अभी ये लेयर वन है, इसको नीचे करें तो ये देखें उसके नीचे आ गया। लेयर थ्री के नीचे करें, लेयर थ्री तो अलग ही पड़ी हुई है हमारी टेक्स्ट वाली, वो नहीं आएगी। इन दोनों को कर सकते हैं, एक और अगर इधर लेयर ड्रा कर लें, ये हमने की दिया, ये भी लेयर वन के अंदर चली गई। अभी एक और लेयर लेते हैं, ये जो आपकी है पॉलीगॉन इसको ड्रैग कर देते हैं फोर के अंदर। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये जो है ग्रीन शेड सबसे ऊपर है, तो इसको आप लेयर फोर को ड्रैग करें और सबसे नीचे फेंक दें या थ्री के ले आए, तो इनका ऑर्डर इधर से भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह लेयर थ्री को इसके नीचे लेके आना चाह रहे हैं, लेयर टू को लेके आना चाह रहे हैं, तो इनका ऑर्डर ऐसे चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये नीचे वाली जो है लेयर वन है इसको सबसे ऊपर लेके आना है, सबसे ऊपर लेके आएंगे तो इस तरह हो जाएगा। ये क्लियर है सबको लेयर्स का? यस सर, वो आपने मैंने अभी क्वेश्चन करना लगा था, ये गाइड्स क्या है, गाइड्स ऑप्शन क्या इधर है है ये सर, ब्लू ग्रीन के साथ गाइड्स नहीं लिखा हुआ, ये पता कैसे लिखे? ये गाइड्स हैं इधर आपके पास, कभी अगर मास्टर लेयर में आपने देखा हो, ये देखने जरा, ये पूरे पेज की थी वो शो करवा देता हूँ आपको। गाइड्स, ऑल पेजेस, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, जो ग्रिड आपको बैक पे शो होगा ना बैकग्राउंड के ऊपर आपको ग्रिड शो हो जाता है जब आप ड्राइंग कर रहे होते हैं। ये अगर इधर से आगे देखें ये वाला, ठीक है, ऑल पेजेस का अगर हम देखें, ऑल पेजेस कमिंग कर रहे हैं इन दोनों का, हेल्प करें, ये डॉक्यूमेंट ग्रिड है। ठीक है, ये अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखें जो पीछे आपको नज़र आ रहा है जो आपको चार्ट सा बन गया, ग्रिड बन गया हुआ है। यस सर, ठीक है, ये देख, ये एंगल मतलब जो ड्राइंग कर रहे हैं लाइन वगैरह का आपने ख्याल रखना। शायद आपने क्वेश्चन भी किया था तो हमने ऊपर से जो अपना रूलर है वो यूज़ कर लिया था, तो इधर से गाइड जो है वो भी यूज कर सकते हैं जब आप ड्राइंग करें। इसको अलाइनमेंट वगैरह का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, तो इधर से ये गाइड्स आप ऑन कर लें, इसमें ड्राइंग करें, ड्राइंग करने के बाद आप इसको अन चेक कर लें, हाइड कर लें। ठीक है, तो ये गाइड ये पूरे पेज की है इसलिए ये आपको दिखाई, और लेयर की लग नहीं आ रही इसलिए उसको नहीं दिया। ठीक है, ये गाइड का ये आपका जो करंट डॉक्यूमेंट है उसकी है, तो उसको इधर से हम कर दे। सर एक और चीज़, वो अलाइन बता दें, अलाइन का ऑप्शन नहीं मिल रहा। अच्छा, लाइन का ऑप्शन मेरा, ये आपके हैं दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, सोच करें इनको आप सेलेक्ट करें और इधर आए ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, इधर होगा आपके पास अलाइन का ऑप्शन, ऑर्डर ये लिखा हुआ है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर ही ये लिखा भी हुआ है, लाइन टू लेफ्ट, लाइन टू राइट, लाइन टॉप, ये सारी इसकी ऑप्शन आ रही हैं। ये अलाइन टू, हाँ जी, लाइन टू लेफ्ट करें तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा, इसी तरह दोनों को सिलेक्ट करें। इसका इसके इधर आ जाएगी सेटिंग में, एक मिनट अगर देखें इसकी, तो इसका डॉक्टर आ जाएगा,
लाइन का होगा, इधर ये पड़ा हुआ है, ये देखिए आगे हुए इसका डॉकर भी ओपन हो जाता है। इसको जैसे भी आप यूज करना चाहें, दोनों को सिलेक्ट करवा के इधर लेफ्ट राइट लेफ्ट सेंटर, ये इधर सारी पड़ी हुई है। ठीक है, विंडो से जाकर डॉकर और उसके अंदर अलग से पड़ी हुई है इसकी अलाइनमेंट, वो आप बाहर रख लें। एक्सक्यूज मी सर, ये जो अलाइनमेंट करते हैं सर, हम ये लेयर बाय लेयर भी कर सकते हैं या ओवरऑल पेज की ही होती है, मतलब सब चीजों की इकट्ठी होती है? नहीं, लेयर बाय लेयर भी होती है, हर की अलग से हो सकती है। क्या किया था? अच्छा, ये लेयर्स का। अच्छा, ये इस तरह थी हमारे पास। ये इस तरह हमारे पास लेयर्स पड़ी हुई है, ये आगे ये हमारे पास थी ऑब्जेक्ट, तो सारे हमने इनको अलग अलग लेयर के अंदर रख लिया था। वो आपको रीज़न बताइए कि क्यों अलग अलग लेयर में रखते हैं, जो सेम वर्क होता है वो हम एक लेयर के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी लेयर का ऑर्डर आ रहा है 1 4 2 3 1, सब के अंदर अलग अलग आपके ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह। तो अभी आप देखेंगे लिप्स को आप सबसे ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, तो ये लेयर 2 के अंदर पड़ा हुआ है, इसको सिलेक्ट करें और इसको ड्रैग कर दें टॉप के ऊपर। ठीक है, इधर से इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह जो लास्ट वाली है आपकी लेयर 1, उसको सबसे ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, तो लेयर को पकड़ें, ड्रैग करें और सबसे ऊपर कर दें, ये सबसे ऊपर आपके शो हो जाएगी। सही है, ना ऑर्डर कोई और करना चाह रहे हैं तो उधर हो जाएगा। ये लेयर बाई लेयर जब आप कर रहे हैं तब ये यूज होता है, मतलब फोटोशॉप में हम देखेंगे उधर बिल्कुल ऐसा ही होगा कि लेयर जो है ना उठा के आगे पीछे कर रहे होते हैं, सारी लेयर के अंदर काम हो रहा था। तो इसी तरह कोई भी आप ऑर्डर इधर से चेंज कर सकते हैं, 2 पे 3 पे 1 पे, इस तरह आप कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, ये हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो कैसे करनी है, उसकी आउटलाइन वगैरह। पहले भी हमने थोड़ा सा इंट्रो देखा था उसका, अब फिर देखते हैं कि टेक्स्ट की आउटलाइन जो है कैसे लगानी है कंट्रोल टूल जो है वो यूज करते हुए। ठीक है, तो ये टेक्स्ट टूल पहले आपने काफी यूज किया हुआ, दोबारा स्टार्ट करते हैं। कोई सा भी इधर आप लिख लें, जिस तरह क्रिएटिव डिजाइनिंग, इसका थोड़ा सा साइज ज्यादा कर लेते हैं, ऊपर भी है इसकी सेटिंग, इधर से भी कर सकते हैं, साइज ऊपर भी दिया हुआ है, छोटा हो गया 100 कर लेंगे, इससे ज़्यादा आप करना चाहें। ठीक है, इसी तरह इसका इसका फॉन्ट्स वो सारे दिए हुए हैं, वो भी आपने यूज़ किया हुआ। ठीक है, कोई सा भी इधर से फॉन्ट सेलेक्ट कर लें आप, कोई सा भी फॉन्ट यूज कर लें, कोई बोल्ड फॉन्ट जो है मैं यूज करना चाह रहा हूँ, ये मैं यूज कर रहा हूँ अभी। ये को टेक्स्ट ले लिया, ये थोड़ा सा टैली का इसको फॉन्ट लगता है,
अच्छा ये वाला ले लिया, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे कि इसकी कोई आउटलाइन जो है वो कैसे लगानी है, इसको डेफिनेशन जो है इसकी कैसे करनी है टेक्स्ट आउटलाइन की। ठीक है, तो ये देखते हैं अभी आउटलाइन लगानी है, इसके डिफरेंट वेज हैं आउटलाइन लगाने के। अभी अगर हम देखें इसका जो बॉर्डर है जिस पर हम लगाते हैं वो कोई भी लगाना है तो इधर से आप लगा सकते हैं, क्लिक कर लें, ये आपके पास आ गया F9 प्रेस करके, ठीक है। इस पर आप लगा सकते हैं ये कलर जिसके बाकी चीज़ें वही सारे, ठीक है। जरा सपोज करें कि ये अभी मैं हम इसका जो अंदर वाला कलर है वो ख़त्म कर लें, इधर से बाहर वाला कलर है इसकी कितना से ऊपर दी हुई है जैसे भी आप चेंज कर सकते हैं। ये अभी मैंने लिखा है क्रिएटिव डिज़ाइनिंग और अगर इसको बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, अच्छा। तो पहले भी हमने कंट्रोल टूल जो है वो यूज़ किया हुआ है, तो अभी भी हम देखते हैं यूज़ करके। इधर अगर आएँ आप, ये इधर से भी आ सकते हैं, ये कंट्रोल टूल आपके इफेक्ट के अंदर था, ये पड़ा हुआ है कंट्रोल F9, और इधर से कैसे अप्लाई करना था, यहाँ से हम चेंज करके इसको ऐसे अप्लाई करते थे, ठीक है, कंट्रोल टूल को। तो ये हमने देखा है कि यहाँ पे अप्लाई हो गया, जो इधर कलर दिया हुआ है वो चेंज हो गया, इसका आउटलाइन जो है वो एक तरह की लग गई है, स्टाइल जो है वो अप्लाई हो गया, ठीक है। इसी तरह इसको कम ज़्यादा करना हो आपने वो भी आप कर सकते हैं, जो आपका इनर कलर है वहाँ से चेंज करेंगे, इस तरह ये दिया हुआ कोई और करके देखते हैं, ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसी तरह इसकी कोई वैल्यू आपने कम ज़्यादा करनी है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अभी इसको साइड पे रखता हूँ, ये एक मेथड है, मतलब आउटलाइन लगाई है आपने और इसका हमने कंट्रोल टूल को यूज़ करते हुए एक आउटलाइन लगाई है, ठीक है, अपने टेक्स्ट को। इसी तरह एक और टेक्स्ट लेते हैं, इसको भी मैं यही लिख रहा हूँ क्रिएटिव। Excuse me, sir. ठीक है, ये हमने राइट किया, ठीक है। इसका फॉर्म चेंज करते हैं, ये वाला ऐसा काफ़ी बड़ा फॉर्म, कोई और टैक्स है भी हम इधर लेंगे, ये वाला ले लेते हैं, ये थोड़ा सा क्विक टैक्स है। तो इसके ऊपर हमने कंट्रोल यूज़ करना हो तो वो कैसे करेंगे, अगर इधर से इसकी वैल्यू चेंज करके हम देखें इसको अप्लाई करें, ठीक है, तो ये इसकी आउटलाइन लग जाएगी, ठीक है। एक मेथड तो ये है, दूसरा जो है अभी मैं इसकी ख़त्म कर रहा हूँ, जो इनर कलर है वो ख़त्म कर रहा हूँ, इसको एक बॉर्डर दे रहा हूँ। बॉर्डर कौन से कलर का देते हैं, ये रेड कलर का बॉर्डर दे रहा हूँ, इसके अंदर वाला कलर जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से आगे, ठीक है। ये बॉर्डर है हमारे पास, और दूसरा मेथड क्या है आउटलाइन चेंज करने का, इधर आएँ आप, ये जो आपका कनेक्टर्स हैं इनके नीचे जो आपको नज़र आ रहा है बॉक्स, ड्रॉप शेडो, कॉन्टूर टूल, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, इनवेल्प, ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ, इधर से अगर आप सिलेक्ट करें कॉन्टूर टूल, तो ये देखें जिस जगह के ऊपर आप लेके आएंगे, यहाँ पे मैं लेके आता हूँ और इसको ऊपर नीचे करें, इसको जूम इन जूम आउट करें आप अपने माउस से, तो ये इधर से आपको डिफरेंट स्टाइलिंग जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं सपोज करें कि मिड के अंदर इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मिड में करूँगा तो इसने मुझे ये स्टाइलिंग करके दी है, कलर फिल कर दिया। कलर कौन सा फिल किया है, जो इधर हमारे पास पहले ही कंट्रोल के अंदर फिल कलर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह अभी किया था चेंज, ठीक है, ये चेंज हो गया कलर, ठीक है। अभी ये लिखा है, इसके बाद एक और टेक्स्ट लिखते हैं,
ठीक है, टैक्स लिखा है कंटूर कर, इसको बोल्ड कर लेता हूँ। अच्छा, इसकी भी मैं आउटलाइन कर रहा हूँ जो इनर कलर है वो ख़त्म करके, ठीक है। इसकी आउटलाइन जो है वो कोई और कलर की ले लेता है, इस कलर की आउटलाइन ली, और ये इसका जो इनर कलर है वो ख़त्म कर रहा हूँ इधर से जाकर, ठीक है। ये देखें, अभी हमारे पास ये सिर्फ बाउंड्री इसकी शो हो रही है, ठीक है। तो मैं दोबारा से जाता हूँ अपने कंट्रोल टूल की तरफ, ठीक है। ये सिलेक्ट किया और ये आप लेके आए जहाँ पे आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें, वो साथ ही आपको एरोज भी शो कर रहा है टॉप और बॉटम, ठीक है। तो अभी मैं इसकी आउटलाइन लगाना चाह रहा हूँ, आउटलाइन लगा लूँ, ठीक है, या इसको और कलर जो है स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा बाहर की जाने, तो ये इसको स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। अगर कोई और स्टाइल देना चाह रहे हैं इस तरह, ये साथ मिले हुए आपने इस तरह के स्टाइल जो है वो देखे भी होंगे, इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी कर सकता हूँ। उसको चेंज भी हम कर सकते हैं, जो हम एक बार अप्लाई कर दिया तो उसको पकड़ के आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी है कंट्रोल टूल की, इसको मैं दोबारा कंट्रोल डी कर रहा हूँ और कोई और इफेक्ट जो है अप्लाई करते हैं, कंट्रोल टूल के दोबारा गए और इधर से आप जूम आउट की तरफ जाएंगे तो ये देखें आपको एरोज भी नज़र आ रहे हैं, ये मिड के मिड में बिल्कुल साथ जो कलर किया हुआ है आपके कंटूर में वो भी दिखा रहा है, और आपको एरो शो कर रहा है कि हम टॉप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये हम इधर आ सकते हैं टॉप की तरफ, अगर इसका कलर कोई और कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला कर लें, तो इस तरह इसने फिलिंग कर दी है, और टेक्स्ट वही जो आपने लिखा हुआ है, आउटलाइन वही जो आपने पहले दी हुई है, वो कंट्रोल ने अपना जो इधर हमने स्टाइल उसका सेलेक्ट किया वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। आप अगर इधर देखें 113 इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई है, कंट्रोल की वैल्यू जो है वो इधर भी चेंज हो गई है, ठीक है। तो इस तरह ये कर सकते हैं, बताता हूँ, वेट करें थोड़ा सा। इसी तरह ये आपने एक बार अप्लाई कर दिया, और इसकी सेटिंग अगर आप देखें ऊपर भी शो हो रही है आपके पास, ये आपका कलर था, ठीक है। ये इधर से भी आप चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी मेन्यू से, उधर भी आपके पास सेटिंग शो हो रही है, उधर भी आप चेंज कर सकते हैं जो सा कलर भी करना चाहें, ठीक है। इधर आके भी चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा जैसे ये यूज़ नहीं हो रहा आपका, तो इस तरह ये कंट्रोल के कलर्स हैं, ये वेल सेलेक्टेड हैं, ये भी इसकी ये सेटिंग है कंट्रोल की, ये अगर आप अभी देखें इधर कि ये राउंडेड कॉर्नर है, बीबल है, मीटर्ड है, माइटर्ड है, या कौन सी आपने करनी है, ठीक है। ये फर्स्ट वाली करेंगे तो ये कॉर्नर्स वाली है जो आपको नोड्स बाय की जानब निकले हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसको चेंज करें या राउंडेड करें तो ये कॉर्नर आपके राउंड हो गए, ठीक है। इसी तरह रोड पे जाएं बेवल की तरफ, वो देखें इस तरह आपके कॉर्नर जो है कर दिए, ठीक है, नोड जो है बिल्कुल करीब कर दिए हैं, और इसका राउंड भी कर दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह दूसरी में जाएं तो ये पहले ही कलर फिल है हमारे, इनको करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। फर्स्ट वाले लीनियर ही हम लीनियर पे काम कर रहे हैं, तो लीनियर यूज़ करते हैं। इसके अलावा और कौन सी सेटिंग है, ये कंट्रोल की ऊपर आ रही है 113, जो ये वाली बिल्कुल जो इधर भी आपको नज़र आ रही है, आप इधर से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी हम कम करते हैं, ठीक है, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं वैल्यू। और इसी तरह ये वाली है, ये आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं कि वन स्टेप अवे करना है, टू स्टेप करना है, अभी मैं इस पहले वन स्टेप है, ये इधर भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है।
इसी तरह आप टू पे जाएं तो देखें क्या इफेक्ट होता है ये, और थ्री पे जाएं तो क्या इफेक्ट होता है ये, बाहर आपकी बाउंड्रीज जो है वो बनाता जाएगा विद कलर वेरिएशंस। ठीक है, ये कलर वही है लेकिन ये डिफरेंस कर रहा है। अगर स्टेप फोर करेंगे तो इनर कलर जो है और लाइट हो जाएगा। अभी अगर करके देखें ये देखें, ये ऊपर वाला साइड भी कर देता है, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको इधर कर लें। ये स्टेप्स हैं। इसी तरह अगर मैं फोर की तरफ जाता हूँ तो ये देखें कलर आपका वही है जो स्काई ब्लू आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ब्लू कलर, लेकिन वो स्मॉल वेरिएशन के साथ, मतलब कलर लाइटर हो रहा है। जो ही आप स्टेप एक स्टेप ऊपर हैं तो कलर जो है वो वेरी कर रहा है, लाइटर हो रहा है कलर आपका। ठीक है, ये इधर लिखा भी हुआ है कंट्रोल स्टेप्स, एडजस्ट द नंबर ऑफ कंट्रोल स्टेप्स इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कंट्रोल टूल का यूज है टेक्स्ट के अंदर। इधर से स्टेप्स आप इंक्रीज करें, स्टाइलिंग चेंज करें, ये वन पे ही हम आ जाते हैं फिलहाल। दूसरा ये है कि ये अभी आउटसाइड इस वर्क करना है या इनसाइड करना है, ये साथ इसकी सेटिंग पड़ी हुई है, आउटसाइड इनसाइड और ये टू सेंटर। ठीक है, सबसे पहले अभी ये क्या हुआ पड़ा है आउटसाइड। ठीक है, अप्लाई या कंटूर टू द आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये अभी आउटसाइड के ऊपर आपका ये टेक्स्ट था कंटूर जो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई हुआ पड़ा है आउटसाइड पे। तो अभी हम इनसाइड पे करेंगे कंटूर ऑफसेट टू लार्ज, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू हुई अभी इसलिए इनसाइड नहीं आ रहा। ठीक है, इसको वैल्यू इसकी कम करते हैं तो फिर इनसाइड करके देखते हैं। ये आउटसाइड है पहले जो आपकी बाउंड्री लगी हुई है कंट्रोल टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, सी ओ एन टी ओ यू है। इसके बाद आप जाएं इनसाइड तो जो आपकी कंट्रोल यूज हुआ है विद ब्लू कलर वो इनसाइड चला जाएगा। ठीक है, ये अभी आप देख सकते हैं इधर से। और अगर सेंटर करें, ठीक है, सेंटर का भी वही है, अभी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है तो इसके लिए इतना डिफरेंस नहीं आपको लगेगा। ठीक है, अभी करके देखें सेंटर, ये इनसाइड और ये साथ वाला आउटसाइड। ठीक है, बाकी वैल्यूज इसकी ये इधर की सेट किए हुए हैं, फ्लो इनवर्ड फ्लो आउटवर्ड। ठीक है, ये भी इसको करके देखते हैं फ्लो इनवर्ड। वो जो आपके स्टेप्स बन रहे थे ये उनके लिए है, फ्लो जो है इनसाइड आपने करना है या आउटसाइड करना है। थोड़ा सा वेट कर लें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। टू या 22 इसको अप्लाई करें। ठीक है, तो ये इसकी एक आउटलाइन लगी है। ठीक है, इसको अगर आप कम ज़्यादा करके देखें तो यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जो इधर हमें कंट्रोल की वैल्यू नज़र आ रही है उसको ख़त्म किया और इधर जाता हूँ दोबारा अपने टूल्स में। और ये देखें इनसाइड, ठीक है, ये सेंटर की तरफ इनसाइड, और ये अगर बाहर की तरफ जाना चाहें आप बाउंड्रीज का यूज करना चाहें तो कलर आपका वो ऊपर आपको सारा ग्रीन कलर सेलेक्टेड है। ठीक है, शुरू क्यों नहीं होगा, कलर चेंज कर दिया,
ये लेयर बार है इसकी तरफ, कंट्रोल की तरफ। सर आप इसके नीचे फिल करना चाहते हैं, फिर शायद होगा, फिर हो जाएगा दर समय के साथ। तो करना चाहिए पहले लेकिन करने का ऊपर भी वाली तो आ रही थी। क्या कह रहे वो सर साफ नहीं आता, ट्राई का ऑप्शन आ रहा है वो सर नहीं, वो तो हुआ पड़ा पहले फ्लैग पे कलर तो ब्लैक था लेकिन पिक क्यों नहीं कर रहा। कलर पता नहीं क्यों नहीं चेंज कर रहा, करना भी चाहिए इसे। पहले तो लगती था दोनों दे नहीं, ये इसका तो कलर फिल करता है इससे स्मार्ट फिल तो बोला इसका, तो पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, करना भी चाहिए इसे। सारा कलर इस पे जाके मैंने डबल सीख किया और ये जो साइड के कलर है ना उससे आया मेरा ये वाला। यस सर, ये तो सारे को फिल करने के लिए एक फॉर्म करना चाह रहे हैं लास्ट वाले में। अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ, देख से पता नहीं कर क्यों नहीं कर रहा कलर, सेटिंग वगैरह तो नहीं करने के लिए। ये कलर का मैं आपको देख के बता देता हूँ, अभी जो कहीं कोई इसका करना ना पड़े, ऑप्शन जो है वो चेक ना करना पड़े, ठीक है। तो ये इस तरह इसका यूज है। एक्सक्यूज मी सर जी, सर इसको एक बार फिल करें और फिर देखें फिर फिल होगा आपका। पहले ये नीचे जो आपने फिल नाम किया हुआ ना जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट आप देखें आज, अब तो आ रहा नहीं। मैं करना चाह रहा हूँ जो हमारी ए की बाउंड्री है ना उसको कलर करना चाह रहा हूँ लास्ट वाले में या इन साइड पे, इसको ट्राई करें, ठीक है। तो ये आउटसाइड बाउंड्री पे चला गया, ठीक है। ये बाकी इसके ऑप्शन इधर वही कॉर्नर राउंडेड करने हैं आपने, इसको अप्लाई करने हैं तो ये कॉर्नर जो है राउंडेड हो जाएंगे। जो आपके पास नया नई ऑफलाइन बनी है उसकी सेटिंग है ये, ठीक है। कॉर्नर इसके राउंडेड हो गए, अगर इसको जो बीवल लेवल करना है उस पर इसको अप्लाई करें तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह वो चैम्पर और स्केलप टूल का देखा था ना, ये भी उसी तरह, ठीक है। इसको फर्स्ट वाला करता हूँ सेम वे, ठीक है। तो ये हमने इधर से किया अप्लाई, तो अभी हम देखते हैं कि इधर जो हमें टूल के अंदर नज़र आ रहा है कंट्रोल टूल वो कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इसको साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। इसको साइड पे किया, ये हमने टूल सेलेक्ट किया, पहले सेलेक्ट किया और इसको इसको ड्रा किया, ठीक है। अच्छा आप कह रहे हैं कि पहले कलर फिल कर लें, चलें कोई कलर इसमें फिल कर लेते हैं,
या सेल्टर फिल करेंगे फिर वो उसका भी फिल होगा। ठीक है, कलर फिल कर लिया और इसको ड्रैग करना है इनसाइड या आउटसाइड। ठीक है, अभी आउटसाइड वही आ गया कलर जो इधर हमारे पास है, पहले फिल हुआ पड़ा है। ठीक है, ये देखते हैं आउटसाइड पे जाते हैं हम, तो आउटसाइड पे कलर फिल हो जाएगा जो इधर से सिलेक्ट है आपका फिल कलर में। ठीक है, और इनसाइड वाला वही है जो हमने किया। ठीक है, इसको अगर ख़त्म कर दें तो ये बाहर कलर वही रहेगा जो आपने फिल किया। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर दोबारा आते हैं, तो एक बार हो गया आपका। दोबारा इसको आप इसकी विड्थ जो है वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जो भी आपने करनी हो वो कर सकते हैं। ये जैसे इसी तरह बाकी सारी स्टेप्स की सेटिंग थी अगर जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसकी आप कर सकते हैं, इससे कम ज़्यादा। इस तरह इसको इंसर्ट कर सकते हैं, आउटसाइड कर सकते हैं, जैसे भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना हो आपने वो कर सकते हैं, उसको बाउंड्री के पास ले के जाना हो वो ले के जा सकते हैं। ठीक है, ये इसी तरह ऊपर इसका कलर भी आ रहा है, आप इसका भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्टोव का कलर है, तो ये इसके स्टेप्स आप देख लिए पहले ही। ये अभी क्यों अंदर की जाने जा रहा है, क्योंकि ये इनसाइड कंटूर जो है वो सिलेक्ट है आपका। ठीक है, इसी को आउटसाइड कर देंगे ये बाहर चला जाएगा। ये इनसाइड हम गए हैं तो ये सारी वैल्यूज इनसाइड पुट कर रहा है। ये देखें अगर आप इधर कि ये सबसे डार्क कलर बाहर है, बाकी कलर जो है इनसाइड है, अंदर की जाने में लाइटर लाइटर लाइटर। आउटसाइड करेंगे तो इसी तरह कलर भी आपके रिवर्स हो जाएंगे सारे। ठीक है, बाकी ये फिल था, ये उसी तरह फिल करेंगे तो ये फिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह है कि आपने कंट्रोल टूल जो है वो किसी शेप के ऊपर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। उसी तरह एक और देख लेते हैं, इसको साइड पे करते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये एलिप्स लिया या ये पॉलीगॉन ले लें आप। पॉलीगॉन लिए, सिक्स कॉर्नर सेवन सिक्स ले लें। ठीक है, इसके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये इसका स्टोक है, इसको थोड़ा सा कर लें आप। ठीक, अभी ये सेलेक्ट करें आप अपना टूल और इसको अंदर की जाने बाहर की जाने जैसे भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। तो पहले इसकी वैल्यू लगी हुई है, स्टेप्स लगे हुए हैं, उनको कम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर लेते हैं। ये भी आपने चीज़ देखी है कि जो ग्रीन कलर है ये भी उतना इसमें पिकी है जितना हमने ये इनर का स्टोक रखा है। ठीक है, अंदर वाले ऑब्जेक्ट का जितना हमने स्टोक रखा है उतना ही उसने बाहर फिल किया। ये ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है आउटलाइन कलर, आउटलाइन कलर पहले ही आपका फिल था ग्रीन कलर, उसने उतना ही स्टोक रखा है आउटलाइन का, आउटलाइन इतनी रखी है जितना हमने उसको किया हुआ पहले। ठीक है, ये देखें कि हमने इसकी वैल्यू दी है, इसको हमने 16 वैल्यू दी थी। ठीक है, 16, ये इसने 16 ही पिक कर लिया। अभी अगर दोबारा देखें हम अपने ऑब्जेक्ट का स्टॉक होगा उतना ही वो लेगा, क्योंकि वो उसको रेप्लिका कर रहा होता है, उसको डुप्लीकेट कर रहा होता है शेप को, आपकी शेप भी वही ड्रा कर रहा है जो आपने पहले ड्रा की हुई है, तो इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज भी ले रहा है। ठीक है, जी चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का स्टॉक का साइज और दूसरा जो हमने कंट्रोल बनाया उसका साइज और
साइज हो वो आप ब्रेक पार्ट करके कर सकते हैं, वैसे बाय डिफॉल्ट जो है वो वही लेता है। ठीक है, तो इधर से वो कलर आपने चेंज करना हो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, कलर फिल करने का आपको पता चल गया वो कैसे फिल करना है। पार्ट करके देख लेते हैं, ये आपने अभी कहा ना इसको ब्रेक पार्ट करके तो बाहर का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, वो जरा एक बार कर दें। अच्छा, वो भी करते हैं। तो इसी तरह ये कलर फिल का आपने देख लिया, ये कैसे करना है इसको, कलर को चेक कंचेक करना है या चेंज करना जो भी आपने, ठीक है वो कर सकते हैं, या रिमूव करना चाहें वो कर सकते हैं, कलर आपका बाहर लेके आना चाहें बाउंड्रीज की तरफ वो लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ सही है आपके पास। ब्रेक पार्ट का क्या अभी इधर आया लिखा हुआ है ब्रेक कंट्रोल ग्रुप पार्ट, ठीक है इसको करें तो ये अभी अलग अलग हो जाएंगे सारे, अलग हो गया। अभी हमने कलर उसका फिल कर दिया, इसलिए बाइज वाला देखते हैं, एक बार देखते हैं। ये इस तरह कह रहा हूँ कि अगर आप चेंज करना चाहें दोबारा तो ये बिल्कुल आप सब तीनों जो हैं तीन बाउंड्रीज लगी हुई हैं, तीनों अलग अलग हो गई हैं, वन ये इनर टू और ये थ्री। ठीक है, तो इनकी आप दोबारा से कोई चेंजिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अभी तो ये ऑब्जेक्ट बन गए, आउटलाइन नहीं रहे, दोबारा से आपको आउटलाइन लगानी पड़ेगी किसी भी चीज़ में। ठीक है, इस तरह कर रहा था कि अलग अलग हो गए, तो आप बाद में कोई चेंज करना चाहें तो वो इधर से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ था कंट्रोल टूल का, वो आप देख सकते हैं इधर ड्राइंग वो कैसे लगाने हैं। सही है, बाकी वही ऑब्जेक्ट बन गए। अभी मैं इसको दोबारा से कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन आया तो वो पूछ सकते हैं।